फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो को आज कौन नहीं जानता। अक्सर लोगों की भूख मिटाने वाले ऐप जोमैटो की मुश्किलें इन दिनों काफी बढ़ गई हैं, जिसका कारण है कंपनी की एक नई पॉलिसी। दरअसल जोमैटो ने बीते मंगलवार को अपने वेज कस्टमर्स के लिए एक खास सर्विस की घोषणा की थी। ये खास सर्विस उन लोगों के लिए थी जो कि शुद्ध शाकाहारी हैं। कंपनी के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस सर्विस को लॉन्च करते हुए इसका नाम प्योर वेज फ्लीट रखा। साथ ही गोयल ने इस नई सर्विस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी भारत में शुद्ध शाकाहारी कस्टमर्स के लिए प्योर वेज फ्लीट की शुरुआत कर रही है। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भारत में ही हैं। हमने ये नई सर्विस लोगों के फीडबैक के आधार पर शुरू की है। जोमैटो के वेज कस्टमर्स के लिए लाल रंग के डिब्बों की बजाय हरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही डिलीवरी बॉय हरे रंग की शर्ट ही पहनेंगे। ये खाना शुद्ध शाकाहारी भोजनालय से ही आएगा। हालांकि गोयल ने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि अगर इस घोषणा पर खराब रिस्पॉन्स आता है तो हम इसमें वापस बदलाव कर देंगे। वहीं जैसे ही गोयल ने इस बात की घोषणा की, वैसे ही पूरा इंटरनेट उनके इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगा। नेटिजन्स ने इसको लेकर जबरदस्त चर्चा की। एक तरफ जहां कुछ लोगों ने गोयल की इस सर्विस के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध भी किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि ये भेदभाव सबसे ऊपर है। पहले से ही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को लेकर काफी भेदभाव होता है, आप इसे अब और मत बढ़ाइए। वहीं दूसरे यूजर ने तो भारत में मीट खाने वाले लोगों का डेटा बता के जोमैटो को जमकर घेर लिया। साथ ही एक यूजर ने तो तंज कसते हुए कहा, जोमैटो को अब अपने मेन्यू में गंगा जल भी शामिल कर लेना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने खाने को शुद्ध कर ले, क्योंकि खाना भी तो गंदी सड़कों से ही आ रहा है। वहीं इस मुद्दे पर लोगों ने गोयल को लेकर भी कई बातें की। एक यूजर ने गोयल की तारीफ करते हुए कहा कि एक सच्चे और अच्छे लीडर की पहचान यही होती है। तो वहीं एक यूजर ने तो गोयल को घेरते हुए उन्हें डरपोकिंदर गोयल नाम दे दिया। हालांकि जब इस बात पर जमकर बवाल हुआ, तब गोयल ने अपना फैसला बदलते हुए एक नया ट्वीट कर दिया। अपने नए ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम शाकाहारियों के लिए एक फ्लीट जारी रखेंगे, लेकिन इसके लिए ग्रीन डिब्बे और डिलीवरी पार्टनर की ग्रीन टी शर्ट के फैसले को हम वापस ले रहे हैं। हमारे सभी राइडर लाल रंग की टी शर्ट ही पहनेंगे। इसका मतलब ये है कि शाकाहारी ऑर्डर के लिए बने फ्लीट को पहचाना नहीं जा सकेगा। हमें एहसास हुआ है कि हमारे कुछ नॉनवेज ग्राहक अपने मकान मालिकों की ओर से परेशानी में पड़ सकते हैं। यदि हमारी वजह से ऐसा हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।